बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। बीकानेर से जलपाईगुड़ी जा रही एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है, जिस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रेलवे के कई आला अधिकारी मौके पर, उनको रवाना किया गया है। हादसे की पल पल की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ली जा रही है। बीकानेर एक्सप्रेस हादसे में 3 यात्रियों की दुखद मौत की खबर है। जलपाईगुड़ी के करीब ये बड़ा हादसा हुआ है। एम्बुलेंस की 51 गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गई हैं। ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी से बातचीत की है। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी रवाना की गई हैं। करीब 16 घायलों को अस्पताल भेजा गया है, जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर इस पूरे मामले की जांच करेंगे। एनिमेशन के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन सा रूट रहा जहां से गुजरते हुए ये ट्रेन आगे बढ़ रही थी, तब तक अचानक ये हादसे का शिकार हो गई। हादसे के पीछे का कारण क्या है, क्या है वजह, आखिर क्यों हुआ इतना बड़ा हादसा? जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, यकीनन वो बेहद भयावह है। ये एनिमेशन के जरिए आपको दिखा रहे हैं। 48 घंटे का सफर, 34 स्टेशन बीकानेर से, इसकी शुरुआत राजस्थान के बीकानेर से, और बीकानेर एक्सप्रेस की जो बोगियां पलती हैं उसके बाद जयपुर ये जाती है। ये तमाम वो स्टेशन दिखा रहे हैं जो बीच में पड़ते हैं। उसके बाद आगरा रेलवे स्टेशन आता है जहां पर ये ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है, कानपुर, और इस तरह से तेजी से ये ट्रेन आगे की ओर बढ़ती हुई। हम आपको वो 34 स्टेशन जो पड़ते हैं बीकानेर से लेकर जो इसका गंतव्य होता है उसके बीच के वो तमाम स्टेशन हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अपने आप में सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी है, आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से 3 यात्रियों की जान चली गई जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। इलाहाबाद स्टेशन भी बीच में पड़ता है, प्रयागराज स्टेशन, मुगलसराय भी आता है, उत्तर प्रदेश का मुगलसराय जो पटना से भी पास में है, और उसके बाद पटना बिहार में इसकी एंट्री हो जाती है, कटिहार पड़ता है बिहार का। ये तमाम वो हिस्से हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार का किशनगंज, और फिर उससे होता हुआ न्यू जलपाईगुड़ी ये पहुंचता है पश्चिम बंगाल के हिस्से में, कूच बिहार जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, कामाख्या भी पश्चिम बंगाल का हिस्सा जहां पर इसको जाना होता है, लेकिन बीच में ही हादसे का यह शिकार हो गया। हादसे के पीछे की वजह क्या है, बड़ा सवाल है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने है। पटरी से उतरी बीकानेर एक्सप्रेस, कई यात्री जख्मी हुए हैं। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में यह हादसा हुआ है और अफरा तफरी किस तरह वहां पर पैदा हो गई इस हादसे के बाद, तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रेमा राजाराम कोलकाता से मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं, शरद जयपुर से जुड़े हुए हैं, वरुण सिन्हा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रेमा राजाराम, आपका रुख करते हुए, किस तरह की जानकारी ग्राउंड जीरो से मिल पा रही है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया है? क्योंकि हादसे के बाद अफरा तफरी का वहां पर माहौल पैदा हो गया था, इस समय चूंकि घना अंधेरा होगा, अभी की स्थिति वहां की क्या बयां करती है, कितने लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में ले जाया गया है, और क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी चित्रा, अभी जो पता चल रहा है कि 20 लोग, करीबन 20 लोग घायल हुए हैं इस इंसिडेंट में, और इसके अलावा 3 लोग की मौत हुई है, ये अभी जानकारी हमें मिल रही है। और जो एनडीआरएफ टीम है, 2 टीम सिलीगुड़ी से रवाना हो चुके हैं, स्पॉट के तरफ वो लोग रवाना हो चुके हैं, और सीनियर रेल अधिकारी वो भी दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बाकी डिविजन से वहां पे रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा स्पॉट पे 51 एम्बुलेंसेज अभी है, मौजूद है, और गैस कटर्स भी का इस्तेमाल भी हो रहा है। जो लोग वहां पे ट्रैप्ड है, क्योंकि जो जाना जा रहा है कि 12 बोगी वहां पर डीरेल हो चुकी थी, और इसके अलावा 4 या 5 बोगी वहां पे बहुत गंभीर तरीके से वहां पे लोग फंसे हुए हैं, जिस कारण वहां पे गैस कटर्स का इस्तेमाल किया गया है। और इस वक्त जो जाना जा रहा है कि जो घायल है उनको न्यू जलपाईगुड़ी हॉस्पिटल दिए गए हैं, और मैनागुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के और भी वहां पे घायलों को ले गए हैं। चित्रा, बड़ी तादाद में राजस्थान के जो यात्री थे वो इसमें सवार थे। सीधे शरद का रुख कर लेते हैं। शरद, 1000 से ज्यादा यात्री बताए जा रहे हैं, जिनमें 177 से ज्यादा सिर्फ बीकानेर से ही चढ़े थे, तो वहां पर मुख्यमंत्री की ओर से किस तरह से जानकारी ली जा रही है? यकीनन राजस्थान के जितने भी यात्री इसमें सवार होंगे, सबके परिजन अपने अपनों के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते होंगे, किस तरह की जानकारी रेलवे की ओर से मुहैया कराई जा रही है, और क्या जानकारी, राजस्थान से कुल कितने यात्री इस ट्रेन के भीतर सवार थे, क्या जानकारी देंगे इस बाबत आप?
देखिए चित्रा, 1:45 में दिन में ये ट्रेन कल बीकानेर से रवाना हुई थी। बीकानेर और जोधपुर मिला के यहाँ से यात्री चढ़ते हैं, डेगाना से जोधपुर के यात्री चढ़ते हैं। 177 जो है वो बीकानेर के थे और 308 पूरा बीकानेर मंडल के थे और पूरे राजस्थान के करीब 700 थे। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास आई ये मैं बता दूं, हालांकि लोग धैर्य बनाए रखें, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। S4 से लेकर S13 तक और उसके बाद D2 वो बोगियां होती हैं जो पहले सारी अनरिजर्व कर दी गई थी, लेकिन फिर भी वो रिजर्व टिकट लगता है उसमें, उसको D2 नया नाम दिया गया है, और 2 अनरिजर्व। तो ये बोगियां जो है बीकानेर मंडल से, बीकानेर के लोगों को बताया गया है कि S4 से लेकर S13 तक और D2 और 2 अनरिजर्व ये बोगियां वहां पर पलटी हैं, उसमें लोग कुछ लोग घायल हुए हैं। अभी जो जानकारी मिली है जयपुर मंडल को, उसमें जो न्यू जलपाईगुड़ी से जो डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेन है वो 5:45 पर रवाना हुई थी और अभी जब 5 बजे, अब 7 बजे मैं आपसे जुड़ा था, उस वक्त वो अभी 25 किलोमीटर दूर थी हादसे की जगह से। तो वो एक बार ट्रेन पहुंच जाए तो सारे लोगों को एक साथ लेकर जाया जा सकता है। मैनगुड़ी जो अस्पताल है वो अस्पताल छोटा अस्पताल है, इसलिए जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें एम्बुलेंस लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक निकल गई है। ये सारी जानकारियां जो है पश्चिम बंगाल के रेलवे के अधिकारी लगातार राजस्थान के रेलवे के अधिकारियों को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ममता बनर्जी से बातचीत की है, उसके बाद सचिन पायलट ने भी पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से बातचीत की है और वहां पर बीकानेर के रेलवे अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। तो यहां पर जितने जो लीडर्स हैं वो भी लगे हुए हैं, अधिकारी भी लगे हैं, सारे जो रेलवे के अधिकारी घर चले गए थे उन्हें वापस बुला लिया गया है और एक एक यात्री से जो फोन नंबर थे उनसे संपर्क किया जा रहा है। लोग अपील कर रहे हैं कि वो रेलवे ने अपील किया है कि आप जो है हेल्पलाइन नंबर को फोन करें और अपने जो घर वाले हैं उनके बारे में जानकारी लें। हालांकि यह जानकारी धीरे धीरे आ रही है, बहुत सारे लोग वहां DRM ऑफिस भी पहुंचे हैं बीकानेर में जानकारी लेने के लिए और वहां पर कोशिश की जा रही है कि हर किसी को संतुष्ट किया जाए। लेकिन ये जो बोगी बताए हैं इनमें जो घायल हुए हैं उनके बारे में जानकारी जो है धीरे धीरे बीकानेर और जयपुर के रेलवे के अधिकारी जो परिजन है उन तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक बार जो डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेन है वो पहुंच जाएगी तो सारे लोगों को वहां से निकाल लिया जाएगा, जो बाकी यात्री सकुशल हैं उन्हें भी वहां से निकाल लिया जाएगा। जहां तक खबर मिली है कि ग्रामीण भी आसपास के जो इलाके के हैं वो सारी मदद कर रहे हैं लोगों के, उनके ठीक से आसपास के जो गेस्ट हाउसेज में उसमें ही पहुंचाया गया है जो ज्यादा भयभीत थे, और जो घायल हुआ है उन्हें भी जो 1:30-40 एम्बुलेंस पहुंच गए थे उनमें करीब करीब सब लोग अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं। जी चित्रा।